सो वी आर बैक विद अनदर मिथ दिस टाइम। जैसे कि हमेशा मैं बोलता हूँ कि बॉडी को ये खाने से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ न्यूट्रिएंट्स इसको पता है। वैसे हमें न्यूट्रिएंट्स से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ टेस्टी खाना चाहिए। तो आज का हेल्दी मील्स में क्या है? आज का हेल्दी मील में हम लोग प्रोटीन के लिए ग्रिल्ड चिकन होगा, और कार्ब्स के लिए हम लोग होगा मैश पोटैटोस, और सैलड में जिसमें थोड़ा सा वेजीज भी होगा सैलड में, और रायता हम लोग एक तो बताएंगे। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट मील्स। एनीवेज मैं कम से कम एटलीस्ट 3 to 4 days अ वीक यही मील में खाता हूँ। एनीवेज सो टुडे वी विल स्टार्ट। द फर्स्ट थिंग व्हाट वी विल डू इज फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट बॉइलिंग सम वाटर फॉर द मैश पोटैटोस। तो मैं इसमें पानी डाल देते हैं जब तक ये थोड़ा सा पानी डाल दिया हमने, ये फुल गर्म होने के लिए रख दिया। अभी हम लोग के पास जो पोटैटोस है इसको हम लोग फटाफट पील कर लेंगे। ये मैश पोटैटोस इतना टेस्टी होता है ना, मतलब मन करता है खाते ही जाओ। गुड, दिस इज डन। नाउ इसको हम लोग थोड़ा सा काट के बॉईल, आधा काट लेंगे तो फटाफट ही बॉईल हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। तो हम लोग जस्ट आधा काट के इसको बॉईल में, जब तक ये बॉईल हो रहा है तब तक हम लोग क्या करेंगे फटाफट, ये जो चिकन है इसको मैरिनेट कर लेंगे। तो चिकन को कैसे मैरिनेट करते हैं? वेरी सिंपल। पहले हम लोग ये चिकन भी है इसको क्या कर लेंगे, थोड़ा सा इसको दो पीस कर लेंगे तो इजी, जो बहुत जल्दी कुक हो जाता है। तो कुछ नहीं करने का, ऐसे बीच से हम लोग ये दो नाइस पीस निकाल लिए, और इसमें निकलने के बाद और एक चीज़ कर सकते हैं, हल्का थोड़ा सा ऐसे कट कर देंगे। ये क्या होगा, ये बहुत जो स्पाइसेस जो है ये एकदम अंदर में बहुत बढ़िया से घुल मिल जाएगा, तो फ्लेवर आ जाएगा उसमें ज़्यादा। तो ये अभी हम लोग इसको मैरिनेट करेंगे। क्या करेंगे मैरिनेट में, मैरिनेशन में वेरी सिंपल, हम लोग थोड़ा सा इसमें जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट घर भी बना के खा सकते हैं, क्योंकि मैं तो बैचलर आदमी हूँ तो मैं क्या शॉर्टकट हमेशा, लेकिन घर में भी बना के आप गार्लिक जिंजर गार्लिक पेस्ट बना के इजिली दे सकते हैं। तो इसमें और क्या देंगे, थोड़ा टेस्ट के लिए नमक दे देंगे, थोड़ा सा नमक ये, और थोड़ा ये ब्लैक पेपर पाउडर थोड़ा सा, और ये एक तो स्पेशल स्पाइसेस में जो बना है इसका इंग्रेडिएंट्स क्या है, कैसे ये बना है, मैंने आपको ये डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा मिल जाएगा एक्जैक्टली ये मसाला कैसे बना है। ये एक ही मसाला देंगे जिसमें ये पूरा फ्लेवर हो जाएगा। बस ये थोड़ा कितना कितना दे रहा है ये भी हम ये एग्जैक्टली मेजरमेंट भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और इसमें क्या करेंगे, एक छोटा टी स्पून थोड़ा सा ऑयल देंगे, बस ये कंप्लीट, एक छोटा टी स्पून, और फिर इसको थोड़ा सा लगा के रब कर देंगे बढ़िया से, ये खुल मिल जाए, क्योंकि हम लोग को मीट में फ्लेवर चाहिए, अच्छा वाला फ्लेवर चाहिए, ये देगा अच्छा फ्लेवर हमें। तो ये लगभग हम लोग का हो गया मैरिनेशन कंप्लीट चिकन का। ये अभी रहेगा जब तक, थोड़ा देर के लिए रखेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा देर के लिए रखेंगे। और तब तक हम लोग क्या करेंगे, ये जो सैलड है जो रायता का सैलड वो भी काट के हम लोग रेडी कर सकते हैं, लेकिन पहले हम लोग क्या करेंगे, ये चिकन को ग्रिल करने के लिए रख देंगे। तो ये चिकन बेसिकली और फ्लेवर होगा अगर आप कम से कम इसको आधा घंटा एक घंटा, या तो जनरली मैं क्या करता हूँ, मैं इसको बैचेस में मतलब बहुत सारा चिकन को एक साथ मैरिनेट करके पूरा रख देता हूँ, और फिर एक साथ मतलब हर दिन एक एक पीस कर खाता हूँ, ऐसे करके ईजी होता है, ओवरनाइट ये रह सकता है। और ऐसे चिकन आप मैरिनेट करके अगर फ्रिज में रख देंगे, मैरिनेट करने के बाद मिनिमम 4 to 5 days फ्रिज में रख के आराम से आप खा सकते हैं। ओके सो नाउ लेट्स गेट इनटू द रायता। ओके सैलड के लिए
अनियन अगर हम लोग अनियन को काट लेते हैं, हम लोग छोटा छोटा चॉप करेंगे तो अच्छा लगेगा ना, ये रायता का जो होता है थोड़ा छोटा छोटा। कैप्सिकम है उसको काट दें, कैप्सिकम भी हो गया, इसमें दे देते थोड़ा सा टमाटर, ठीक है। अब टमाटर को भी ऐसे ही तो ये हो गया अपना, इसमें थोड़ा सा चिली चाहिए, एक इसमें थोड़ा सा ग्रीन चिली भी डाल देते हैं। तो ये अपना इसका रेडी हो गया, थोड़ा इस नींबू को भी थोड़ा काट के रख देते, लगेगा हम लोग को बाद में। अभी क्या करते हैं, अपने चिकन को ग्रिल करना चालू कर देंगे। इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, ये हम लोग एक इसमें ये मस्टर्ड ऑयल सिर्फ एक टेबलस्पून, ये टीस्पून इसी पे दो बार डाला, एक टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल बस और कुछ नहीं, इसी पे हम लोग का ग्रिल हो जाएगा और कुछ भी नहीं चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा गर्म करेंगे, उसके बाद ये चिकन इसमें ग्रिल करेंगे। मेरा एक फ्रेंड मर्लिन, उसने बताया कि अरे तुम जो चिकन मैरिनेट करते हो इसके लिए एक तो बॉल इस्तेमाल क्यों नहीं करते, प्लेट में क्यों करते। अरे मर्लिन मैं क्या करूं, मैं बैचलर आदमी हूँ, मेरे पास उतना सारा सामान नहीं है, यही छोटा मोटा जो सामान है इसी में खाना पकाता हूँ भाई, मेरा उतना फैंसी किचन भी नहीं है। जब शादी हो जाएगा तब शायद बॉल वॉल में भी करेंगे। ऑलराइट, सो इसको थोड़ा गर्म करना पड़ेगा, थोड़ा पैन को थोड़ा गर्म कर लेते हैं। अब हम लोग का लंच टाइम हो गया, भूख भी लग गया, और कैमरा के पीछे विमल जो हमें हेल्प करते हैं सब कुछ करने के लिए उसको भी लग गया। हम लोग अभी फटाफट ये मील बनाएंगे और खाएंगे। यहाँ पे हम लोग का पोटैटो बॉइल हो रहा है, और थोड़ा सा होना चाहिए बस, और थोड़ा होगा बस, लगभग ये अपना गर्म हो गया ऑलरेडी। अभी इसमें क्या करेंगे, इसको ग्रिल करेंगे। नाइस सा, यही चाहिए, थोड़ा मसाला सब लगा लेते, वेरी गुड, ये बनना चालू हो गया, ये खुद पसंद आए। क्या करना है, जैसे ये कैसे करके परफेक्टली कुक करते हैं हम बता रहे हैं, जैसे पूरा फुल बर्नर को फुल कर दिया, पूरा तेज में है। इसको क्या करना है, जैसे पूरा गर्म हो गया ये पैन, तभी हमें इसको जब एकदम गर्म हो गया, तेल हो गया, तभी इसको डालना है। और उसके बाद थोड़ा सा, मे बी ज़्यादा नहीं, मे बी अराउंड 30-40 सेकेंड्स या मैक्सिमम अ मिनट इसको ऐसे रखना है, एक मिनट इस तरफ रखना है। जैसे एक मिनट हो जाता है फिर हम लोग इसको उल्टा उल्टा कर देंगे, एक मिनट थोड़ा होने दीजिए, इसको उल्टा कर, ओके। तो एक मिनट हो गया, अभी एक मिनट तेज करेंगे, ये देखिए का थोड़ा कलर भी तेज में लग गया, ओके। तो अभी दूसरा एक मिनट दूसरा तरफ हम लोग कुक करेंगे, ओके ओके। तो अभी ये दूसरा मिनट भी हो गया, दूसरा कर देते हैं, दूसरे देते हैं। अभी हम लोग का जो फ्लेम है ना, जो फ्लेम है इसको एकदम स्लो करके कुक करना है, एकदम स्लो करके, ओके। तो अभी ये क्या करते हैं, हम लोग फटाफट जब तक वो हो रहा है अपना, ये भी बॉयल हो गया लगभग, तो हम लोग रायता को कम्प्लीट कर देते हैं। रायता का अपना कटा हुआ है रेडी, इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा पहले
वो आपको मंजूरी दे देंगे फेवर के लिए। और इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा नमक भी चाहिए। अब इसमें क्या करेंगे, अपना जो दही, ये दही है रायता रेडी हो गया। इधर अभी क्या करते हैं हम लोग, इस तरफ जो अपना मैश पोटैटो वो हो गया उसको रेडी कर लेते हैं। वेरी सिंपल मैश पोटैटो, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। अभी अपना जो पोटैटोज हो गया ये पोटैटोज एम्प्टी बॉल में डाल देना है बस। अब इसको कैसे बनाएंगे, तब तक इसको भी कभी और एक हो गया कलर नाइस। अभी इसको कैसे बनाएंगे, ये इसमें पोटैटो है ओके। अब इसको देखिए बढ़िया कैसे बनाते हैं, ये इसमें पोटैटो है। अभी पोटैटो को क्या करेंगे, थोड़ा सा मैश करेंगे। मैश कर रहे गुड। अब थोड़ा सा मैश करने के बाद इसमें क्या देंगे, देखिए इसमें थोड़ा सा हमें दूध देना है, ऑफ करेंगे दूध देना है जब तक ये थोड़ा एकदम सॉफ्ट लगे। मैं बहुत कम देने से अच्छा होगा, एग्जैक्ट मेजर में भी आपको बोल दूंगा कितना देने से। आपको देख लेना है कि जब बन रहा है कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हो, थोड़ा हार्ड हार्ड हो, जो स्पून से आए आराम से ये बन रहा है। अभी इसमें और क्या क्या देंगे, पहले इसमें थोड़ा सा नमक देंगे टेस्ट के लिए, इसमें भी थोड़ा सा ब्लैक पेपर देंगे, और इसमें देखिए वो है थोड़ा सा बटर, हम लोग को पैक देंगे, पैक करने के बाद बटर क्या करेंगे, थोड़ा सा बटर ज़्यादा नहीं, ये भी कंप्लीट। अब इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं इसको और एक बार मैश कर देंगे, मिला लेंगे अपना मैश पोटैटो लगभग। अभी क्या करेंगे, सब कुछ नहीं, अभी इसको सर्व करते हैं और देखते हैं कैसे लगता है। ऑलराइट, सो आवर मील इज रेडी, दिस इज हाउ इट लुक्स। ऐसे दिखने में लग रहा है प्रोटीन है फुल अपना, यहाँ पे अपने कार्बोहाइड्रेट्स है और यहाँ पे मिक्स कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, और यहाँ पे अपना सैलड। दिस इज द मील। अब इट्स टाइम टू चेक द मील, हाउ इज इट। अच्छा, थोड़ा लाइम है, थोड़ा चिकन का ऊपर अगर लाइम दे देते तो और मजा आ जाता है। लेट्स सी हाउ फाइनली आई हैव कुक्ड माय मील, दिस इज नॉट न्यू टू मी। काश आप मेरे साथ अभी होते ये टेस्ट करने के लिए। लवली
So that's one of the most popular healthy meal that I eat most of the time. अगर ये meal आपको अच्छा लगा या बुरा लगा, जो भी लगा हो, आप अगर ये comment में type कर देंगे कि क्या लगा आपको, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. So आपको अगर ये video अच्छा लगा तो please इसे like कीजिए. अगर आप चाहते कि इसको share करने किसी के साथ, ये easy meal, healthy meal किसी के साथ, please share कीजिए. और finally, if you think, please subscribe to this channel. और आपको सब्सक्राइब करने के लिए क्या मिलेगा इसके बाद, जैसे जैसे मैं नया नया वीडियोस बनाता हूँ, सबको आपको इसका अपडेट मिल जाएगा. ऑलराइट, दैट विल बी ऑल फॉर नाउ. फॉर दिस टाइम, वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम अगेन. थैंक यू वेरी मच.